सोच और मन पर काबू पाना मुश्किल तो है, लेकिन असंभव नहीं। हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आप सब बढ़िया ही चकाचक होंगे। मेरा भी बढ़िया चकाचक चल रहा है। तो चलिए आज की शाम को अपना बेहतर बनाते हैं एक अच्छे से सुविचार के साथ। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, हम वो हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है। इसीलिए हर पल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या सोचते हैं। हमारा सोच ही हमें आज का दिन और कल का दिन के बारे में बनाता है कि कल हम क्या करेंगे। तो सोचना बहुत बड़ी बात होती है फ्रेंड्स। जब तक जीना है तब तक सीखना है। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। तो ये बात तो जितना हम खुद के अनुभव से सीख पाएंगे उतना और किसी चीज़ से नहीं सीख पाएंगे। तो आज और शाम के अभी 4 बज रहे हैं। आज मैं शेयर करूँगी कि अभी जेठ महीने में घर की महिलाओं को शाम की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। हर घर की महिला अगर अपने शाम के समय अपने घर में के कामों को ऐसे करती हैं तो आपके घर में ना कभी किसी चीज़ की कमी होगी और ज़रूरत सारा पूरा होगा। ज़रूरत के हिसाब से कोई कमी नहीं होगी। तो चलिए यही सब छोटी छोटी बातें मैं शेयर करूँगी। अभी तो आपको लोग को टाइम बताया ही 4 बजे। 4 बजे हम शुरू कर देते हैं शाम का काम, क्योंकि शाम का काम 4 बजे। अभी तो जेठ महीना चल रहा है तो खैर धूप बहुत ज़्यादा रहता है। 4 बज भी रहा लेकिन लग रहा है जैसे कि 2-2.5 बज रहा तो बस। और हाँ, कभी कभी 5-10 मिनट लेट होता है, आगे पीछे होता है। तो ये तो होता ही रहता है आगे पीछे। तो इस समय मैं झाड़ू लगाती हूँ, सिर्फ झाड़ू, पोछा नहीं लगाती, सिर्फ झाड़ू ही लगाती हूँ इस समय। और बिछौना ओछाना भी, बेड वेड भी नहीं झाड़ते, क्योंकि बेड मेरा नहीं होता है वैसे, जैसे तैसे तो बस झाड़ू लगा लेते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखना है कि झाड़ू कभी भी 2 वक्त जब मिलते हैं, शाम का और रात का वक्त जब मिलता है तो होता है शाम, और इसी समय गधहवेर भी कहते हैं। तो इस समय अगर इसके पहले, शाम के पहले, दियाबाती के पहले हम झाड़ू लगा लें तो फिर वही झाड़ू लगता है। अगर जिस दिन लेट हो जाता है उस दिन झाड़ू नहीं लगाते हैं। तो अब आ गया बर्तन की बारी। तो शाम के समय दियाबाती के पहले बर्तन भी जूठा सारा धो लेते हैं। रसोई में जूठा बर्तन नहीं रहने देते हैं। अगर घी का दिया हम जलाते हैं और पूरे घर में जब घुमाते हैं और रसोई में भी लाते हैं दिया घुमाने के लिए, और जब जूठा बर्तन रहता है तो फिर ये फिर अच्छा नहीं है। तो फिर हमारे घर में कैसे सकारात्मक ऊर्जा आएगी? तब तो नकारात्मकता भरी ही रहेगी। तो जूठा बर्तन इसलिए शाम के समय कभी नहीं रसोई में रखना चाहिए। हमेशा दियाबाती करने से पहले, 2 वक्त मिलने से पहले ज़रूर जूठा बर्तन धो लें, झाड़ू लगा लें। अगर किसी दिन लेट हो जाता है तो फिर झाड़ू नहीं लगाते, झाड़ू छोड़ देते हैं उस दिन लगाना, क्योंकि झाड़ू शाम के समय बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। लक्ष्मी माँ बहुत नाराज़ हो जाती है, क्योंकि शाम का समय है उस समय सारे, कहा जाता है कि सारे देवी देवता आसन पे बैठते हैं। इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है, ये अशुभ माना जाता है। तो बस मेरा सारा बर्तन वर्तन धुल गया था और लगे हाथ हम नल भी थोड़ा सा सूती कपड़ा से गार के ऐसे ही रगड़ देते हैं तो बस चकाचक ही रहता है। बस सारा काम हो ही गया था। अब तो देखिए हमारा रसोई कितना चकाचक साफ हो गया। तो बस अब यहाँ पे सब हो गया, अब चलते हैं। तो आज हम दिन में ही भिगो के रखे थे कुछ कपड़ा, सर्फ का पानी में भिगो के रख दिए थे, क्योंकि ये कपड़ा है हाथ से धोने वाला। तो फ्रेंड्स अभी ना जितना मन लगेगा, अच्छा लगेगा शाम को काम करने में, उतना सुबह में नहीं लगता है मन। सुबह लगता है एकदम सूर्योदय से पहले कीजिए काम तो फिर मन लगेगा, और नहीं तो फिर शाम को मन लगेगा काम करने में। दोपहर में काम करने में मन नहीं लगता, क्योंकि गर्मी बहुत है और सूर्य देव का ताप भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जेठ महीना। तो अभी शाम का समय है, तो शाम के समय अगर ये सब कुछ फैला के रखे हैं तो सारा समेट के ही दियाबाती करते हैं,
क्योंकि इस तरह से कपड़ा भीगा हुआ रहे, इसमें से स्मेल भी आने लगता है, गर्मी का दिन है तो आता ही है, सुबह तक अगर ये भीगा हुआ रह जाए तो बस इस सुबह का इंतज़ार नहीं करना है। और सुबह हम नहीं फींच पाए थे, सुबह फींचे थे कपड़ा, लेकिन ये सब नहीं, ये सब भिगोए ही नहीं थे, ये भिगो के रखने वाला, ये सिल्क का शर्ट था, तो इसको तो हल्के हाथों से फींचना है। बस उसी सरफ में हम ये निमी के पापा का बनियान है जो कि इसी में हम गाड़ देंगे यही फैन में। और ये सफ़ेद जींस था तो इसको भी मशीन में नहीं डालना है, तो जो भी कपड़ा हम हाथ से फींचते हैं वो मशीन में नहीं डालने लायक रहता है तो उसको हाथ से ही फींच लेते हैं। तो बस यहाँ पे हम सारा कपड़ा को निपटा ले रहे हैं, मतलब धो ले रहे हैं, और जब कपड़ा धो रहे थे सर्फ का पानी बच गया था। और इधर देखिए बोरा इधर से उधर उड़ते चल रहा है अभी हवा में, क्योंकि इस बोरा में आया था सामान, राशन जो आता है ना, तो वही आया था, एक ही बोरा में आया था, एक बोरा पहले का ही इधर से उधर उड़ता फिर रहा है। तो इसको भी उसी सर्फ के पानी में गार ही दिए, तो ये भी साफ़ हो जाएगा और सर्फ का पानी भी इस्तेमाल हो गया, वो भी बर्बाद नहीं फेंकाया। तो बस ये सब सारा काम निपटा लेते हैं हम जल्दी जल्दी से, शाम दिया बाती करने से पहले। और फ्रेंड्स, ये सब सारी जिम्मेवारी जो होती है ना, सुबह का पूजा भले ही पुरुष कर लेते हैं, बहुत से घरों में कर लेते हैं, और लेकिन शाम की पूजा जो होती है, शाम का जो दिया बाती होता है, वो महिलाओं के ही जिम्मेवारी में रहता है। महिलाएं ही अपने घर में करती हैं शाम की दिया बाती अक्सर, सभी लगभग सभी घरों में। और मतलब शाम को तो कहीं महिला को निकलना ही नहीं चाहिए, अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहिए शाम के समय महिलाओं को, क्योंकि इस समय होता है लक्ष्मी का टाइम, लक्ष्मी का बेरा। और लक्ष्मी के टाइम अगर हम अपने ही घर में ताला बंद करके कहीं चले जाएँ तो वो बढ़िया नहीं है, दरवाज़ा बंद करके कहीं चले जाएँ तो वो बढ़िया नहीं है। इस टाइम ज़रूर दरवाज़ा खुला रहना चाहिए ताकि लक्ष्मी माँ भ्रमण करते करते आ जाए। जितना ज़रूरी सुबह है उतना ही ज़रूरी शाम का भी है। तो यहाँ मेरा सारा कपड़ा धुल गया था और यहाँ कुछ दाल आया था आज, तो इसको धूप में रख दिए थे। एक बात हो जाता है ना कि धूप में अगर ये सब दालें सुखा दें, थोड़ा चना है और दाल है, तो ये सब सुखा दो तो मन में एक निश्चिंता रहती कि ये अब कुछ दिन तक ख़राब नहीं होगा, मतलब रहेगा। और ये सब आदत बन गया है, सच पूछो तो ये सब कोरोना टाइम से ही आदत बन गया है कि धोना सुखाना ये सब। और ये सब जब आदत बन गया है तो इस सब आदत को छोड़ें ही क्यों, मन में अगर सोच लें कि ये सब आदत नहीं छोड़ना है तो बस नहीं छोड़ना है। तो चलिए ये सब डब्बे में भर के रख दिए। और अब हो रहा था लेट, क्योंकि अब हो रहा था थोड़ा सा काम भी बढ़ गया था आज, ये सब दाल वाल रखना था, थोड़ा कपड़ा भी धोना था, ऐसे तो शाम का डेली कपड़ा नहीं रहता है। और उसके बाद सारा रख दिए। और सूप कभी नहीं बाहर छोड़ना चाहिए, सूप हो गया, दौरी हो गया, झाड़ू हो गया, रात में कभी बाहर नहीं छोड़ना चाहिए खुले में। तो बस सारा काम धाम करने के बाद, और इन लोगों को भी हम बाहर निकाल दिए थे क्योंकि शाम का अभी ठंडा ठंडा हवा थोड़ा सा ये लोग भी ले लेगा, लेकिन ये लोगों को बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि अभी मतलब अभी हम यहाँ पे रहेंगे नहीं, और निकाल देंगे तो डर लगता है अभी लोग कहीं भी घुस जाएगा, उधर लकड़ी रखा हुआ है तो लकड़ी में घुस जाए लग जाए, इस डर से ही लोग को भी नहीं निकाल रहे थे। तो अंदर ही हम बोल रहे थे अभी अंदर ही रहो, बस खाली पिंजड़ा निकाल दिए बाहर। और अब हम स्नान नहीं करते हैं, दिया बाती करते हैं, सिर्फ पैर हाथ धो के कपड़ा चेंज करते हैं। और देखिए शाम के समय दरवाज़ा कभी नहीं बंद करना चाहिए, दरवाज़ा हमेशा खुला रखना चाहिए। और अभी आसमान कैसे लाल लाल, सूर्य नारायण जी डूब रहे हैं तो आसमान एकदम लाल लाल लसा लग रहा था। और हम तैयार हो गए, साड़ी पहन लिए क्योंकि आज मुझे जाना है थोड़ा सा मार्केट भी, इसीलिए साड़ी ही पहन ली है कि साड़ी पहन के दिया बाती भी कर लेंगे और मार्केट भी थोड़ा सा चले जाएंगे। और कहीं भी बाहर जाइए शाम के समय, मार्केट जाइए या फिर कहीं भी बाहर जाते हैं तो बाहर जाने से पहले दिया बाती करके ही जाना चाहिए, ये एक भी बहुत ही ज़रूरी बात है कि दिया बाती करके ही जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाहर चले गए और आए 7 बजे 8 बजे तो छोड़ दिए कि चलो आएंगे तो दिया बाती करेंगे, तो ये नहीं, दिया बाती हमेशा करके ही जाना चाहिए शाम के समय। बाहर अगर जाना है, ज़रूरी है जाना, तो दिया बाती बिना किए नहीं जाना चाहिए। तो बस मेरा यहाँ पे दिया बाती हो गया था, लगभग हो ही गया था, पूरा घर में दिया घुमा देंगे, तुलसी जी को भी दिखा ही दिए। और उसके बाद शाम का दिया हम रखते हैं पश्चिम दिशा की ओर,
उसका दिया का मुंह रहता है पश्चिम दिशा की ओर, और सुबह में जब दिया जलाते हैं तो पूरब दिशा की ओर रखते हैं। तो बस शाम का पूजा मेरा हो गया, और शाम का जो जाप उप है थोड़ा बहुत वो भी कर लेते हैं अभी ही, हम दियाबाती करते समय ही सुबह का पूजा का जो जाप रहता है वो करते हैं, और फिर शाम को भी थोड़ा सा कर लेते हैं। तो मेरा सारा पूजा पाठ हो गया था, दियाबाती भी हो गया था, और अब हम बाजार जाने का तैयारी कर लेते हैं। तो तैयार तो खैर हो ही गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, आप लोग सब कैसे हो? सब बढ़िया ही, चकाचक सबका चल रहा होगा, मेरा भी बढ़िया चकाचक चल रहा है। तो हो गया शाम का मेरा सारा काम धाम, और काम धाम होने के बाद अब हम जा रहे हैं बाजार। बाजार जाना जरूरी है तो इसलिए जा रहे हैं। ज्यादा कुछ नहीं लेना है पूजा का, दो कुछ कुछ सामान लेना है और कुछ कुछ अपने लिए लेना है, और क्या लेना है वो तो आने के बाद आप लोग को दिखाएंगे। तो अभी चलिए चलते हैं। और बाजार जाने से पहले ये डब्बों को हम रखना भूल गए थे, फिर दिन भर सुखाने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ जब इसको अगर हम बाहर ही छोड़ देते तो फिर याद आया नहीं, पहले इसको रख लेते हैं उसके बाद बाजार जाएंगे। तो बस इसको हम रख ही लिए, दाल सब का डब्बा, और उसके बाद अब चलते हैं, बाजार जाना है, मार्केट जाना है, थोड़ा सा काम है। तो फ्रेंड्स, मार्केट का वीडियो हम नहीं बना पाएंगे क्योंकि अकेले संभव नहीं होता है वीडियो बनाना, थोड़ा सा एफर्ट भी लगता है कि छोटा जगह है ना, तो छोटे जगह में ये सब करना थोड़ा सा एफर्ट लगता है, इसीलिए मार्केट का वीडियो हम नहीं बना पाएंगे। अगर थोड़ा बहुत भी शूट कर पाएँ तो आप लोग को ज़रूर दिखाते, लेकिन नहीं शूट कर पाएँ। और आते समय देखिए नीमे के पापा भी साथ आ गए, क्योंकि ये भी आ ही रहे थे, मतलब हम तो खड़े थे लेकिन गुपचुप खाने के लिए, लेकिन ये बोले कि मुझे जाना है शादी में तो जल्दी आओ, तो फिर हम भी साथ में आ ही गए इनके साथ। और मार्केट से जो भी लाए हैं फ्रेंड्स, वो हम अगले वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करेंगे कि क्या क्या हम लाए हैं मार्केट से। अभी हम दिखा देते हैं निमी के पापा को कि क्या क्या लाए हैं, आप लोग को अगले वीडियो में दिखाएंगे। इसी के साथ वीडियो भी एंड करने का टाइम हो गया, फिर मिलते हैं आप लोग से कल। टाटा बाय, सी यू।